अमार मसूद साहब हमारे साथ बैठे हैं, एक बहुत ही अमेजिंग शायर के बेटे हैं. ही हिमसेल्फ इज सच अ लवली पर्सनालिटी. एक दफ़ा रात गए इन्होंने शुरू किया था और अब वो रात कभी जा ही नहीं पा रही है. इट्स देयर. और दोबारा से एक शायर ही हैं जो वसी शाह साहब उनको चला रहे हैं इस प्रोग्राम को. अमार साहब, व्हाट डू यू थिंक, शायरी और मौसीकी में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? इस प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के बारे में मुख्तलिफ लोग इसको एलेबोरेट करने की कोशिश करते रहे और बड़ी अच्छी कोशिश होती रही. तीन लफ्जों में इस कॉन्सेप्ट को समराइज किया जा सकता है, रंग, राग और रक्स. अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो ये प्रोग्राम बनता है. मेरे लिए ये कहना भी बेइंतहा मुश्किल है कि मैं इस कीमती चीज का तालिब इल्म हूं, इसलिए कि ये तालिब इल्म होना भी बहुत बड़ी बात है और ऐसे नहीं कह देना चाहिए कि मैं तालिब इल्म हूँ. हमारे पास इब्तला के इस दौर में सिर्फ एक इख्तियार है और वो इख्तियार ये है कि फनकार चाहे किसी भी नौ का हो, गुलूकार हो, म्यूजिशियन हो, पेंटर हो, रक्कास हो, हम उसका बेइंतहा एहतराम करें. इसके अलावा हमारे पास कोई इख्तियार नहीं. तमाम फनून बुनियादी तौर पर मोहब्बत के जज्बे को उजागर करते हैं. माशरे में इस बात को, मुस्बत रवैयों को तरवीज देते हैं. और ये इस ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे जो पाकिस्तान के तमाम फनकारों के लिए किसी ना किसी हैसियत में मादरे इल्मी की हैसियत रखती है, इस ऑर्गेनाइजेशन का ये बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है. मैं किसी और चैनल में आजकल काम करता हूँ. कमर्शलिज्म एक बड़ी मुख्तलिफ चीज़ है. ये इदारा ही अफोर्ड कर सकता है ऐसे खूबसूरत प्रोग्राम करना जिसमें मौसीकी पर, रागों पर, रक्स पर और रंगों पर बात हो सके. मौसीकी के बारे में कुछ कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है. आपका बहुत शुक्रिया. बहुत ज़बरदस्त बात है, क्योंकि बहुत शुक्रिया.